हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं। उसी गांव में इतना समय लग गया कि कहीं और भी गए थे? नगर में भी घूमा। बहुत सारी बातें सुनी होगी। कई प्रकार के। परंतु जो बात आप सुनने गए थे वो सुनी कि नहीं? आपका विचार था कि गुप्तचर आपसे कुछ छुपा रहा था। आपकी शंका सत्य थी या झूठ? वो सत्य ही कहता था। जनता बहुत सी अनर्गल बातें करती रहती है। जनता की ही बातें सुनते रहे या फिर उस स्त्री के संबंध में भी कोई निर्णय हुआ? वो कहीं मिलती तो उसका न्याय करते, कुछ निर्णय लेते। जब वो स्त्री ही कहीं नहीं तो उसका निर्णय क्या होता? वो तो हमारे राज्य की सीमा से बाहर चली गई है। ये पता चला कि दोष किसका है? नहीं। परंतु गांव की जनता किसे दोषी मानती है? कहते हैं कि जनता जनार्दन के स्वर में भगवान का स्वर होता है। सब जो कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है महाराज? यही कि जो जनता कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं सीते, नहीं, तुम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है, परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े तो वो न्याय ही नहीं कर सकता। ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं महाराज? रघुकुल का एक राजा बोल रहा है? जिस वंश के राजाओं ने प्रजा हित और प्रजा रंजन के कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की भी कभी चिंता नहीं की, जिनके लिए कुल की कीर्ति इसलिए महत्वपूर्ण थी कि उनकी प्रजा उनके गौरव पर मान कर सके, उस वंश का राजा अपनी प्रजा के लिए ऐसे वचन नहीं कह सकता।